कैसे देख सकते हैं, हमारे पास कार है महिंद्रा जीनियो पिकअप गाड़ी है। इस कार में प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कार ऑटोमेटिक चलते चलते बंद पड़ गई थी। उसके बाद कार बहुत सारे मैकेनिक आए चालू किए, पर कार चालू नहीं हो रही है। तो हमको बुलाया गया, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने स्कैन किया इसमें सिस्टम में, तो इसमें बता रहा है, देख सकते हैं, इसमें बता रहा है क्रैंक सेंसर नो सिग्नल एरर, P0335 करंट DTC कोड है। ये कोड जा नहीं रहा है, फॉल्ट इरेस कर दे रहा हूँ तो भी आ जा रहा है, जैसे अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इरेस कर दिया हूँ, ठीक है। इरेस करने के बाद यहाँ पे जो लाइट है इसकी, चीक लाइट है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। धूप काफ़ी ज़्यादा है तो दिख नहीं रहा अच्छे से, पर फिर भी मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लाइट है कोने में, वो क्या हो रहा है कि जब सेल मारता हूँ तो, जैसे देख सकते हैं अभी आके चला गया, लेकिन सेल मारता हूँ तो फिर अगर चाबी इग्निशन ऑन करता हूँ तो क्या होती है कि लाइट वो आ जाती है वापस से। आपको मैं फिर से सेल मार के दिखाता हूँ, देख सकते हैं सेल मार रहा हूँ, ठीक है, पर गाड़ी चालू नहीं हो रही है। और ये लाइट देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सेंसर सिग्नल नहीं ले रहा है तो वो लाइट क्या कर रहा है, शो कर दे रहा है। और फिर से कोड भी दिखाऊंगा आपको कि कोड रिटर्न क्यों दे रहा है कि नहीं, वो भी दिखा देता हूँ। अभी देखो कोड नहीं जा रहा, लेकिन अगर 2-3 सेल मारूंगा सेंसर डिटेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आपको ये भी दिखाएगा कि RPM ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, वो भी नहीं दिखेगा। RPM ऊपर नीचे होना चाहिए, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तो क्रैंकिंग करना चाहिए, जब क्रैंकिंग करेगा तभी आपके कार में जो डीजल का लाइन है, इंजेक्टर है, वो वर्क करेगा, फायरिंग करेगा, तभी आपकी कार क्या होगी, चालू होगी। देख सकते ये भी काम नहीं कर रहा, कुछ क्रैंकिंग ही नहीं कर रहा, ये जो मीटर है RPM मीटर, ये थोड़ा भी वर्क नहीं कर रहा है। अगर क्रैंक सेंसर आपका वर्क करता है तो ये मीटर ऑटोमेटिक वर्क करने लगेगा, और ऊपर नीचे करेगा तो आपकी कार चालू हो जाएगी। तो क्रैंक सेंसर वर्क नहीं कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि कार में हमारी कार चालू नहीं हो रही है। मैंने सारे फ्यूज रिले वुले सारे, अगर वोल्टेज भी कम रहेगा तो भी आपका ये सब प्रॉब्लम आएगा, तो वोल्टेज वे सारे चेक कर लिया, बैटरी उट्टी डाउन था, सारे मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद मैंने मेन रिले जो रहता है वो नीचे देख सकते हैं, पैर के पास मेन रिले है लेफ्ट साइड में ग्लो बॉक्स से नीचे, वो मेन रिले भी चेक किया हूँ, सारे बराबर है, सारे सिस्टम बराबर है, पर क्या हो रहा है कि कोड हमारा क्रैंक सेंसर का आई रहा है, देखो अभी नहीं आ रहा है, पर मैं सेल मारूंगा, 3-4 सेल मारूंगा तो वो कोड क्या रहा है, जनरेट हो जा रहा है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से 2-3 सेल मार के, ताकि हमारी कार में जो कोड है वो हमको पता चल सके, समझ आ सके। देखो मैं कितना भी सेल मार रहा हूँ, कार क्या हो रही, कार क्रैंकिंग ले रही है पर स्टार्ट नहीं हो रही। और देख सकते हैं यहाँ पे लाइट अभी क्या करना है, अगर शो करने ले, देख सकते हैं इंजन का लाइट है यहाँ पे, दिख रहा है आपको इंजन का लाइट, ये शो कर रहा है, काफ़ी धूप है इसकी वजह से नहीं दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। और वो जो लाइट है क्या हो रहा है, आ जा रहा है, और ये भी लाइट आ रहा है, ये भी लाइट आ रहा है, पर क्या हो रहा है कि ये लाइट आपका कंटिन्यू रहेगा, और ये लाइट क्या हो रहा चाहिए, अगर आपका सारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं, यानी कि सेंसर जितने भी हैं आपके इंजन के सेंसर है वो सारे वर्क कर रहे हैं, तो ये लाइट चला जाता है। पर जिस समय आपका कोई भी सेंसर बंद होगा या काम नहीं करेगा तो ये लाइट भी जनरेट होगा, और ये लाइट तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। तो देख सकते हैं अभी फिर से मैं क्या किया, वो लाइट आ गया है, उसके बाद फिर से मैं रीड कराता हूँ आपको कोड, देख सकते हैं फिर से रीड किया हूँ, इसमें कोड दे दिया, क्रैंक सब सेंसर नो सिग्नल एरर, ये कोड दे रहा है। तो इसका वायरिंग सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ सेंसर के इधर पे वो दिखा देता हूँ। गाड़ी है जीनियो गाड़ी का सेंसर है, जो आपका फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स के नीचे जैसे ही देखेंगे जो पंप है, बॉस पंप के नीचे सेंसर है, ये देखो ये वायर है उसका सेंसर का, ये सेंसर का वायर है, देखो ये ब्लैक और येलो वायर है सेंसर का। ये सेंसर का वायर सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, सेंसर का वायर बराबर रहेगा, सारे वोल्टेज आएंगे इसमें, जो नौ वोल्टेज आते हैं वो अगर आएंगे तो फिर आपका सेंसर में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग वोल्ट चेक करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि हमारे कार में क्या सेंसर का प्रॉब्लम है या वायरिंग का प्रॉब्लम, या तो वायरिंग कहीं से सड़ गया कट गया तो भी आपकी कार अभी चालू नहीं हुई। से देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, सॉकेट मंगा लिया, इसका सॉकेट भी टूटा हुआ था, थोड़ा वायर टूटा हुआ था, तो हम लोगों ने फिर भी लगा के देखा पर कार चालू नहीं हुई। इसका जूना सेंसर है और मैंने सॉकेट भी नया मंगाया है, और ये नया सेंसर देख सकते हैं, नया सेंसर दो, एक जूना एक नया है। इसमें ओम मैंने चेक किया, ओम कनेक्शन नहीं आ रहा था, जो बजर पे रहता है वो सिस्टम में बजर थोड़ा भी इंडिकेट नहीं कर रहा था, ओम दे ही नहीं रहा था, और इसमें ओम दे रहा है। उसके बाद इसमें जो वोल्टेज है वो भी आपको बता देता हूँ, इसमें मेन 2 वोल्ट आएगा और ग्राउंड है 10 वोल्ट आएगा।
तो बोल सही है, सारे चाहिए। हमारा जो सेंसर का ही प्रॉब्लम है, एक कार में सेंसर, इसका क्रैंक सेंसर जो है, क्रैंक सेंसर ख़राब हो गया था। हम लोगों ने नया देख सकते मंगाया, फुल बॉडी इस पर बॉस का सेंसर आया है इसका, ठीक है। इसको अभी क्या करने वाले हम लोग लगाएंगे और फिट करके आपको चालू करके दिखाता हूँ। वायर सेम टू सेम कनेक्ट कर देता हूँ इसका, जिधर पे जिधर वायर रहेगा, जो वायर लेफ्ट में रहेगा लेफ्ट में, राइट में रहेगा राइट में, दोनों कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेंसर लगाता हूँ और चालू करके दिखाता हूँ आपको। देख सकते सेंसर को अच्छे से टेपिंग कर दिया है, वायर को अच्छे से टेपिंग कर दिया। उसके बाद सेंसर भी लगाएंगे, फिट कर दिया है फ्रेंड्स। अभी आपको चाबी लगा के दिखाता हूँ कि कार हमारी जो है चालू हो रही है। देख सकते सारा फिट कर दिया, उसके बाद अभी सेल मारता हूँ। देखो कार हो गई चालू, देख सकते एक सेल में, सिंगल सेल में कार हो गई हमारी चालू। देख सकते आरपीएम भी एकदम कम होने लगा। देखो अभी रेस उस करके देखता हूँ, रेस उस भी सारे हो रहे। देख सकते एक बार में कार चालू हो गई, देख सकते कार एक बार में चालू हो गई। जो सेंसर था जुड़ा वाला सेंसर, ये ख़राब है सेंसर। इसमें आपको बाजार पे डाल के ओम चेक करना है, रेजिस्टेंस दे रहा है कि नहीं, वो सब भी चेक करना रहता है। तो इस तरह से आप कार चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सिप्स ऑटोमोबाइल ऑल इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम सोल्यूशन। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमारे जीमेल पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं, या अगर किसी तरह का पार्ट चाहिए वो भी मेरे पास अवेलेबल रहता है, या कोई सेकेंड इन एसीएम या चाबी वाबी का कोई कोड आता तो मैंने सेंड कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम बता सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सिप्स ऑटोमोबाइल ऑल इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम सोल्यूशन।